दोस्तों नीरज चोपड़ा भारत के सिल्वर मेडलिस्ट ओलंपिक में, उनके घर के सामने हैं हम। ये गांव है खंडरा, जिला पानीपत। ये देखिए उनका घर है। इस घर का नाम उन्होंने रखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम, जो कि हमारे शास्त्रों में अर्थ होता है पूरी पृथ्वी ही हमारा घर है। और शायद कहीं ना कहीं ये मतलब इनके घर में भी चरित्रार्थ होता है। 19 परिवार के सदस्य हैं, संयुक्त परिवार है, चाचा ताऊ सब आज भी इकट्ठे रहते हैं। ये इनका घर, और ये इनके घर के सामने देखिए एक जबरदस्त चीज मैं आपको दिखाता हूं। ये है एसी ट्रैक्टर। जी हाँ, नीरज चोपड़ा का एसी ट्रैक्टर देखिए। और नीरज चोपड़ा जब आते हैं तो इसी में खेती करते हैं, इसी में खेत वगैरह में अपना जाते हैं। और इसको आप देखेंगे, ये बिल्कुल किसी लग्जरी कार से कम नहीं है। इसका फिटिंग, इसके सिस्टम एसी है अंदर से पूरा। इसका चारों तरफ से मैं आपको घुमा के दिखाता हूं। ये देखिए क्या बिल्कुल फिट एंड फाइन, बिल्कुल फिनिश जबरदस्त है इसकी। इतना जैसे चमचमा रहा हो, बिल्कुल देखिए कमाल है। अब हम रात को आए हैं क्योंकि रात को ये मैच हुआ था, और बिल्कुल साफ एसी ट्रैक्टर नॉर्मली हमें भारत में देखने को मिलते नहीं है। और ये इन्होंने बताया कि ये इम्पोर्टेड ट्रैक्टर है, ये बाहर से मंगवाया हुआ है यूएस से, और इसी से ये लोग नीरज चोपड़ा खेती करते हैं। और ऐसे ऐसे इनके पास कई यूनिक और भी ट्रैक्टर हैं, जैसे 1970 का बेलारूस ट्रैक्टर, जो कि मैंने एक और वीडियो में आपको दिखाया नीरज कुमार का। लेकिन ये ट्रैक्टर इसलिए खास है, किसी भी मौसम में आप इसमें गर्मी सर्दी बरसात में खेती कर सकते हैं खेत में। और बिल्कुल इतना जबरदस्त, ऐसा शानदार है जैसे आज ही इसको शोरूम से लेकर आए हो। टायर से कहें, फिट एंड फिनिश से कहें, एक तिनका भी इस पर धूल नहीं है, तो इससे लगता है इसकी रेगुलर मेंटेनेंस और सफाई बिल्कुल की जाती है। नीरज चोपड़ा की परफॉर्मेंस की तरह इस ट्रैक्टर में भी परफॉर्मेंस झलकती है। एक झलक आप देख लीजिए अच्छे से, और एक झलक फिर से आपको मैं दिखा देता हूँ। ये है नीरज चोपड़ा का विशाल आलीशान घर, कोठी, जो कि बहुत बड़ी है। और इसमें कम से भी कम लगता है 35-40 तो इस घर में कमरे हैं, बहुत बड़े बड़े विशाल, और बहुत शानदार है। नॉर्मली ऐसी कोठी हमें देश में गांव में देखने को नहीं मिलती, तो नीरज चोपड़ा। और नीचे देखिए कार के उस साइड लिखा भी हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, चोपड़ाज वसुधैव कुटुंबकम। और नीचे लिखा हुआ है जो नीरज चोपड़ा, जो इनका गोत्र है, सरनेम ये यूज करते हैं चोपड़ा, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं पुराना गांव के बिल्कुल बीच में ये घर है, मीडियम आबादी का ये गांव है, छोटा गांव है। गलियां देखिए संकरी है, कोई ज्यादा चौड़ी नहीं है यहाँ पर। और इस साइड भी देखिए गलियां, गली ये भी कोई ज्यादा चौड़ी नहीं है, और ये गली भी देखिए। तो एक तरीके का तिराहा ये यहाँ पर होता है नीरज चोपड़ा का घर, और जिसके अंदर इसके अभी एक दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं, हमने उनका कार कलेक्शन भी दिखाया, उनके घर के परिवार की महिलाओं से मिलवाया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें।